अगर iPad Mini 6 भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये डिवाइस इतना फेमस क्यों है। हालांकि इसकी सेल्स जो है ये नहीं कहती है कि ये इतना ज़्यादा फेमस है, लेकिन भाई फिर भी इसकी जो फैन बेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भाई लोग इसे पसंद करते हैं वो बस iPad Mini को ही पसंद करते हैं यार, और इनमें से एक मैं भी हूँ यार। मुझे भी iPad Mini 6 काफ़ी ज़्यादा पसंद है कंपेरेटिवली भाई iPad Pros, क्योंकि ये काफ़ी बड़े डिवाइसेस है और ये भाई काफ़ी बढ़िया से साइज़ फैक्टर के साथ आता है। तो यार iPad Mini 6 आप लोगों को जो साइज़ के अंदर मिलता है ये एक परफेक्ट साइज़ है यार। अब अगर आप कंपेयर करोगे आईफोन के साथ या किसी भी स्मार्टफोन के साथ, आजकल भाई 6-7 इंच नॉर्मल हो गया है स्मार्टफोन के लिए, और ये iPad Mini जो है ये परफेक्ट साइज़ के अंदर आता है आपके एक हैंड यूज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। साथ ही साथ भाई इसके अंदर आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप एक नॉर्मल iPad के साथ करोगे। भाई इसके अंदर Apple Pencil सेकेंड जनरेशन का सपोर्ट है जो इसे भाई अल्टीमेट डिवाइस बनाता है कि भाई आप इसके ऊपर नोट टेकिंग कर सकते हो ऑन द गो, जिसका मतलब है भाई आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो, भाई इसके अंदर नोट टेकिंग कर सकते हो और इसे कैरी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसीलिए भाई ये जो है ये एक पॉपुलर डिवाइस है स्टूडेंट्स के साथ या कॉलेज स्टूडेंट्स, और जो लोग भाई चाहते हैं ऐसा डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हेवी ना हो, काफ़ी बड़ा ना हो और कहीं पर भी कैरी किया जाए, तो iPad Mini एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। इसी रीज़न से यार ये जो iPad Mini 6 है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये iPad Mini 6 जो है भाई ये इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया सी स्टाइल के साथ आता है, काफ़ी बढ़िया सी डिज़ाइन के साथ आता है, और अभी भी ये जो डिज़ाइन है ये आप लोगों को iPad Air या iPad Pro के अंदर देखने को मिलेगी। भाई ये जो डिज़ाइन है ये सेम डिज़ाइन है, आप लोगों को रेक्टेंगुलर डिज़ाइन मिलती है। जो स्क्रीन है भाई वो भी काफ़ी H2S स्क्रीन है, और जो पुराने iPad थे उस तरीके की नहीं है। iPad Mini 5 के अंदर जो स्क्रीन थी भाई उसके अंदर यहाँ पे बेजल्स थे, साथ ही साथ टच ID थी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर अपडेटेड है। साथ ही साथ टच ID आप लोगों को ऊपर के साइड देखने को मिलती है, बटन के अंदर एम्बेडेड है पावर बटन के अंदर, और भाई ये जो डिवाइस है ये टाइप सी के साथ आता है, मतलब काफ़ी बढ़िया से फैक्टर के साथ आता है कि इसके अंदर लाइटनिंग भी नहीं है। दोनों साइड पे आप लोगों को स्पीकर्स मिलते हैं भाई, लेफ्ट राइट दोनों स्पीकर्स है, तो काफ़ी बढ़िया सा आप लोगों को इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है इसके साथ। और बात कर लेते हैं भाई अभी इसकी प्राइस रेंज की, तो ये 50,000 के अंदर आता है, लेकिन भाई ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है अगर आप कंपेयर करते हो। भाई आपके पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल है iPad Air के, जिसके अंदर M1 चिप आती है, काफ़ी बढ़िया सी चिप है, और इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ है कंपेरेटिवली Air या iPad Pro जैसे। तो अभी बात कर लेते हैं भाई कि इसका फ्यूचर एक्चुअली है क्या। तो यार आप लोग अगर अभी iPad Mini देख रहे हो या कोई भी iPad देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत रुक जाना चाहिए, क्योंकि iPad Mini 7 जनरेशन के काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स अभी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जिसका मतलब है भाई कि हम लोगों का एक रिफ्रेश डिवाइस देखने को मिलेगा iPad Mini 7 जनरेशन। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग र्यूमर्स है यार, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ र्यूमर्स ये भी कहेंगे कि आप ही iPad Mini इसके लिए रखा गया है कि उसके अंदर भाई फोल्डेबल वाला फैक्टर आ सकता है, पर मुझे इतना ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। iPad Mini 7 जनरेशन मुझे लगता है कि लगभग से सेम बॉडी साइज़ या बॉडी शेप के अंदर आएगा, डिज़ाइन जो है वो ऑलरेडी जो है अप टू डेट है कंपेरेटिवली भाई iPad Air या iPad Pro, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं एप्पल की तरफ से, जैसे कि इंप्रूव्ड प्रोसेसर भाई, कैमरा जो है वो अच्छे होंगे, बैटरी वगैरह के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और ये सारे फैक्टर्स है। साथ ही साथ नए वाले एप्पल पेंसिल्स का सपोर्ट इसको देखने को मिल सकता है। बाकी यार iPad Mini जो है ये भाई ऐसा डिवाइस नहीं है कि जिसके ऊपर आप लोग सारी चीज़ें करो, तो भाई iPad Pros बने हैं हाई एंड यूज़ के लिए और iPad Mini बना है भाई लाइट यूज़ के लिए, मतलब आप लोगों को ऑन द गो कोई डिवाइस चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ इस डिवाइस के ऊपर नहीं करना है, तो उसके लिए भाई iPad Mini बना हुआ है। भाई इसका जो साइज़ फैक्टर है ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है, काफ़ी बढ़िया से आप लोग इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी अंदर साइज की चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। इसका जो कैमरा है अभी भी भाई काफ़ी बढ़िया सा परफॉर्म करता है, अगर आप लोगों को कुछ सैंपल्स दिखाओ तो ये कुछ स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो, ये सारे सैंपल जो है ये iPad Mini 6 जनरेशन से लिए गए हैं। और भाई इसकी स्पेक्स वगैरह की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सी इसकी स्पेक्स है, हालांकि अभी थोड़ी बहुत आउटडेटेड है कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करते हो एयर के साथ, क्योंकि इसके अंदर M1 चिप आती है। और भाई ये जो डिवाइस है इसका डिस्प्ले वगैरह भाई काफ़ी परफेक्ट मुझे लगता है। फिलहाल भाई स्पेक्स अगर आप देखोगे तो थोड़े से आउटडेटेड है,
लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह की बात करो तो आप लोगों को ऐसे नॉर्मल यूज़ के अंदर कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। हाँ भाई, हाई एंड अगर आप लोगों को कुछ करना है इसके ऊपर, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए भाई प्रोज M1 वाली चिप काफ़ी बेटर है कंपेरेटिवली ये वाली चिप। लेकिन आप लोगों को ऐसा डिवाइस चाहिए यार, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं, आप लोगों को थोड़ी बहुत नोटिंग करनी है, कॉलेज में लेके जाना है, तो यार आईपैड मिनी 6th जनरेशन आपके लिए ऑन द गो हो सकता है। लेकिन अभी भाई अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो आईपैड 7th जनरेशन आप लोगों को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया सी अपडेटेड स्पेक्स के अंदर आएगा। और यही यार इस वीडियो का मोटिव था कि भाई अभी अगर आप सोच रहे हो आईपैड मिनी परचेस करने का, तो आप लोग यार थोड़ा बहुत रुक सकते हो। काफ़ी बढ़िया सी सेगमेंट है मिनी वाली, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है मिनी वाली सेगमेंट। लेकिन अभी आप लोगों को इसके अंदर एक नया रिफ्रेश डिवाइस देखने को मिलेगा जल्द ही, ऐसा काफ़ी ज़्यादा रूमर्स का दावा है। तो आप लोग थोड़ा बहुत रुक सकते हो सितंबर अक्टूबर तक, अगर आप आईपैड एयर भी कंसिडर कर रहे थे तो भाई अभी के आईपैड एयर काफ़ी ज़्यादा हाई एंड है, आप लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आपको अगर साइज़ मैटर करती है तो आप लोग यार मिनी के लिए रुक सकते हो। तो भाई यही था कुछ वीडियो, होप आप लोगों को आईपैड मिनी 6th जनरेशन पसंद आए। और ऐसे वीडियोज देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम अजय गोखले साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वन। Get it.